आज ही हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई बनाई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। रेसिपी जो है ये इसकी कोई मुश्किल नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं है। तो किस तरह बनाई है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा वीडियो को स्किप ना करा करें, एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए आप लोगों की मदद से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, इस रेसिपी को, चिकन कढ़ाई जो कि हमने बहुत ही आसानी के साथ बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और ये एक मुख्तलिफ तरीके से बनेगी लेकिन इतनी मज़ेदार होगी कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए एक किलो मैंने चिकन ले लिया है, उसको धो लिया है और निचोड़ लिया है, खुश कर लिया मैंने उसको, ठीक है। आधा कप दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको मैंने फेंट लिया था, आधा कप दही शामिल कर दी है मैंने। एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। एक चाय का चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सिरका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आप चाहें तो लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जी चिकन को बहुत ही अच्छा सा मिक्स किया है और हम इसको रख देते हैं अब साइड पर। अब जी हमने रख दिया है यहाँ पर घी, और ये घी जो है इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, वो जो आगे मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप घी लिया है, और इसमें है चार अदद बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डालकर इसको हल्का सा जो है वो नरम कर लूँगी। टमाटर नरम हो गए हैं, 10 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पर ढक देते हैं ताकि टमाटर बिल्कुल ही अच्छी से घुल जाएं। 10 मिनट हो गए हैं जी, टमाटर अच्छे खासे जो है वो घुल चुके हैं। अब यहाँ पर जो मसाले मैं शामिल करूँगी उसमें है हसबे जायका आप मिर्च ले लें, लाल मिर्च पाउडर, लेकिन मैंने यहाँ पर डेढ़ चाय का चम्मच लिया है, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और एक चाय का चम्मच जीरा दरदरा कर लिया है। ये मैं इसमें डालूँगी तमाम चीज़ें, ठीक है, और हल्का सा मैं चला लूँगी इसको, थोड़ा सा भून लूँगी, मतलब सिर्फ 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर मैं शामिल करती हूँ मैरिनेटेड चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको जो है वो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट तक हम इसको तकरीबन भून लेंगे। चला लिया है, अब हम इसको धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर। हमने इसको ढककर रख दिया है 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर, लेकिन हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, दही और चिकन का अपना ही पानी है जिसमें चिकन गल जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद खोला है इसको, ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसको भून लेंगे, लेकिन इससे पहले हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं हरी मिर्चें 3 अदद कटी हुई, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और मैंने इसको बारीक काटा है, और गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, ये मैं डालूँगी। और अब हम इसको भून लेंगे तकरीबन 5-6 मिनट, इसको अच्छा सा भूनेंगे हम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी। 3-4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्राउन प्याज है जिसको मैंने हाथ से ही मैश किया है, मोटा मोटा ही है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन किया, और उसके बाद मैंने इसको क्रश करके हाथ से ही और इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसको भून लेंगे, 3-4 मिनट मज़ीद भूनेंगे हम इसे जी। 4-5 मिनट जो है वो इसको भून लिया है मैंने, और बहुत अच्छा सा भून गया, देखें घी छोड़ दिया है। अब इसमें हरा धनिया जो है वो मैं छिड़क देती हूँ, और बस मिला कर 1 से 2 मिनट मैं इसको दम लगा देती हूँ। तो तैयार है जी हमारी चिकन कढ़ाई, देखेंगे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह।